फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है इमरान खान का राग ए कश्मीर। अच्छा लिखा, राग ए कश्मीर। ओआईसी समिट इन पाकिस्तान रोस्ट, इमरान खान रोस्ट। तो वही जो ओआईसी में हुआ था, कुछ कुछ तो हमने भी शेयर किया है कि चाइना को भैया स्पेशल इनविटेशन, वो क्या कहते हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया हुआ था मेरे हिसाब से तो। और जिस तरह से वो वहां पे भी कश्मीर का वही कह रहे हैं ना, राग ए कश्मीर करने लग गए। तो चलो रोज देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ओआईसी अब कोई ऐसा किरदार अदा कर सकती है मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन के लिए इन हालात में? नहीं। भाई, कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ओआईसी का 48वां सत्र हुआ, जिसमें 57 मुस्लिम देशों ने हिस्सा लिया। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कश्मीर व इस्लामोफोबिया जैसे मुद्दों पर चर्चा करना। और इस ओआईसी की बैठक का मुख्य अतिथि बनाया गया चीन को, उस चीन को जो वीगर मुस्लिमों पर अत्याचार करता है, उनकी मस्जिदें तोड़कर टॉयलेट बनाता है। लेकिन कटोरा खान को चरस में डूबी नशीली आंखों से कश्मीर तो दिख जाता है, लेकिन जब बात वीगर मुस्लिम्स की आती है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और अगर कोई दूसरा देश चीन के खिलाफ आवाज भी उठाना चाहे तो कटोरा खान खबरदार, बाप है हमारा। भाई, चीन इनका बाप भी है, जीजा भी है और अन्य दाता भी। कटोरा खान समेत सारे मंत्री चीन की मोहब्बत तले इस कदर दबे हुए हैं कि वक्त आने पर पैंट उतार कर उनके आगे खुद झुकने तक को तैयार हो जाएंगे और कहेंगे करो। भाई, जैसे ही ओआईसी का सत्र शुरू हुआ, चीन का विदेश मंत्री यांग वी, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। भाई, चीन के विदेश मंत्री को ओआईसी के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने से कुछ देश तो इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने ओआईसी से ही किनारा कर लिया। एक तो पाकिस्तान ने जारी बात है चाइना को प्लेटफॉर्म दिया, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर और कुछ और फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो चले गए। और इस बीच कमाल की बात तो ये हुई कि एक तरफ पाकिस्तान में ओआईसी मीटिंग चल रही थी और वहीं दूसरी तरफ भारत में सऊदी अरब और यूएई के प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर में एक निवेश सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हुए थे। लेकिन ये बात भी पाकिस्तानियों को हजम नहीं हुई और उनका सारा गुस्सा ओआईसी पर ही फूट पड़ा। अब ये ओआईसी है कि एक तरफ आप यहाँ पर बैठ के कश्मीर की क़रारदाद पास कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इंडियन गवर्नमेंट की दावत पर आकर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भाई, कटोरा खान समेत पूरे पाकिस्तान को कश्मीर उस तरह दिखाई देती है जिस तरह से ये लोग इमेजिन करते हैं, लेकिन भारतीय कश्मीर की सच्चाई साला जितने सुकून से तो खुद पाकिस्तानी पाकिस्तान में नहीं रहते होंगे जितने सुकून से कश्मीरी भारत में रहते हैं। और यही बात कटोरा खान को चैन से रहने नहीं देती कि कश्मीर में इतनी शांति और सुकून कैसे है। इसी वजह से ये अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में कश्मीर का पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि ओआईसी मीटिंग में भी कटोरा खान इस कदर भावनाओं में बह गया कि ओआईसी को फेल करार ही कर दिया। वजीर आजम इमरान खान का ओआईसी इजलास से खिताब, 1.5 अरब आबादी होने के बावजूद हमारी आवाज नहीं सुनी जाती। पहली बात तो भाई, तुम मुझे ये बताओ तुम्हारी कोई सुनेगा क्यों? ना तुम किसी देश में इन्वेस्टमेंट करते, ना कुछ एक्सपोर्ट करते और ना ही कभी 1 रुपया किसी मजबूर बेबस देश को दान में दिया होगा। हाँ, लेकिन हर देश से कटोरा लेकर भीख जरूर मांग लाते हो और उसके बाद उम्मीद करते हो कि दूसरा देश तुम्हारी सुने कुछ भी। भाई, ये बात तो पहले से क्लियर थी कि पाकिस्तान में ओआईसी मीटिंग कराकर भी इनसे भारत का घंटा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ये नहीं पता था कि पाकिस्तान के कुछ बुद्धिजीवी कटोरा खान को ही रडार पर ले लेंगे। उन्होंने कहा कि ओआईसी इज अ फेल इंस्टीट्यूशन, तो फिर मुझे ये बताएं शहंशाह अकबर के गुरबत का मजाक उड़ाने की क्या जरूरत थी? एक तरफ आप सऊदी अरेबिया जो कि हेड ऑफ ओआईसी है उनकी तंकीदी कर रहे हैं आप, और ऊपर आप इनके पास पैसे लेने चले जाते हैं, भीख मांगने चले जाते हैं, गजब बेइज्जती है। अब भाई, एक तरफ ओआईसी बैठक में कटोरा खान इस्लामोफोबिया पर ज्ञान फैल रहा था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सिंध में एक हिंदू लड़की की जबरन धर्मांतरण और अपहरण के प्रयास में हत्या कर दी जाती है। लेकिन कटोरा खान की माने तो इस्लाम खतरे में है। आजादी के वक्त पाकिस्तान में 20% हिंदू थे, आज 1% भी नहीं बचे। लेकिन कटोरा खान की माने तो इस्लाम खतरे में है। दुनिया भर में कहीं भी कोई आतंकी हमला हो, हमले को अंजाम देने वाला सिर्फ एक ही धर्म का होता है, लेकिन कटोरा खान की माने तो इस्लाम
खतरे में है। 623 ईस्वी से पहले जिनका कोई वजूद नहीं था, आज वो दूसरे लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करके 57 देशों पर राज कर रहे हैं। लेकिन कटोरा खान की माने तो इस्लाम खतरे में है। ये ना समझा क्या मेरे को? भाई कटोरा खान पर तो इस्लाम का बेताल बादशाह बनने की ऐसी सनक सवार हुई है कि मुझे तो डर है कि जिहाद के नाम पर बंदा किसी दिन खुद को ना उड़ा ले। और इस कटोरा खान का इस्लामोफोबिया का ज्ञान तो मैं निकालूंगा। ये कितना कट्टर इस्लाम को मानने वाला है मैं दिखाता हूँ। इस्लाम में दारू पीना हराम, अदनंगे होकर घूमना हराम। यही नहीं, अभी और सुनिए। और बात करें पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, उसके बारे में ये झोपड़ी वाले एक शब्द नहीं बोलेंगे। जबकि हकीकत सिया सुन्नी के नाम पर बंदे एक दूसरे को उड़ा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। पाकिस्तानी लड़कियों को चीनी नागरिकों के लिए बेचा जा रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। पाकिस्तानियों को चीनी लोग पाकिस्तान में आकर पेल रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा। और कोई कुछ बोलेगा तो सिर्फ कश्मीर पर, भारत पर। तो झोपड़ी वालों, भारत कश्मीर चिल्लाने से पहले अपने मुल्क की हालत देख लो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स अच्छा था, अच्छा रोस्ट किया है और कई सीरियस बातें भी इसमें बताती गई। मतलब हंसी मजाक के साथ साथ सीरियसनेस ऑफ मैटर भी दिखाया कि देखो सोचने वाली बात है, अंदर तुम्हारी इकोनॉमी डूब रही है, बुरे हाल हो रहे हैं तुम्हारे, इतनी डिस्टर्बेंस है वहां पे, टेररिज्म है, सोल्जर्स के ऊपर अटैक हो रहा है, इकोनॉमी संभल नहीं रही, पैसे बढ़ रहे हैं, हर चीज महंगी हुई हुई है, पर तुम किस चीज के ऊपर बातें करने लगे हो? कश्मीर कश्मीर कश्मीर। जब से पाकिस्तान बना है तब से इनको कश्मीर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, और उसी वजह से इतने सालों में क्या हुआ, पाकिस्तान गया नीचे। अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि OIC की मीटिंग कर रहे हैं, उसमें भी कश्मीर की बातें ही करी जा रहे हैं। और मजे की बात वही है कि भैया तुम यहाँ पे कश्मीर दिखा रहे हो कि हे बड़ा जुल्म हो रहा है कश्मीर में, और वहां देखो तो वहां पे गए हुए ऑफिशियल्स, मेन मतलब हाई पोजीशन वाले ऑफिशियल CEOs, वो आए हैं इंडिया में कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने। अच्छा, और इस पूरी वीडियो में ना चीजें तो बहुत अच्छी अच्छी बोली थी, पर जो सबसे अच्छा मेरा फेवरेट सीन था ना, वो था जब उन्होंने कहा कि ये तो अपने ही, इनको वो ही दिखता है कश्मीर जो ये अपने दिमाग में सोच के बैठे हुए हैं, पर असली कश्मीर क्या। और जब उन्होंने वो दिखाया ना होली और वो गाना, ओए होए ऐसा टचिंग था ना, और हल्का हल्के आंसू आने लगे, और इतना प्राउड फील हुआ ना उस मोमेंट में, दिल में ऐसी खुशी थी, मैं कहती हाय हमारा इंडिया बस ऐसा ही रहे। तो वो मेरा, मेरे लिए वो सबसे फेवरेट था। और बाकी जो इन्होंने सच्चाइयां बताई कि देखो तुम्हारे यहाँ पे क्या हो रहा है, पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, और तुम उसको बुला रहे हो एज अ स्पेशल गेस्ट चाइना को, जहां पे वो खुद वहां मुस्लिम्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं वो तुमको नहीं दिख रहा, और तुम बात कर रहे हो कश्मीर की। तो जो रोस्टिंग की है ना, कमाल की है। देखिए अब पॉइंट यही है कि उनका एक एजेंडा है, क्योंकि ये सब पॉलिटिक्स की वजह से होता है। तो वो तभी तो चल रही है, उनकी दुकान चल रही है। पहले उन्होंने अपने लोगों को ट्रेन किया हुआ है कि आप हेट्रेड रखिए इंडिया से, बस जब आप किताबों में ऐसा लेके आ रहे हैं, गलत फैक्ट्स देते हैं, आपका मीडिया एंटी इंडिया अगर है तो उससे क्या हो रहा है, उसी चीज को बेचा जा रहा है बार बार। तो वापस जो है स्टार्टिंग से जिसकी भी गद्दी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है वो कश्मीर शुरू कर जाता है, इंडिया की साजिश है, जिससे लोगों का ध्यान जा सके रोटी कपड़ा मकान से किसी और चीज पर, वरना लोग तो रोटी कपड़ा मकान की बात करेंगे। ठीक है, अब उन्होंने बुला लिया, सबमिट कर लिया, 57 कंट्रीज आ गई। इन द मीन टाइम जिन लोगों ने एक्चुअल जॉब करनी थी वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट? उनको ये है कि इन्वेस्ट करेंगे, कश्मीर को आगे लेके जाएंगे। अब रियली अगर कोई वाकई जाता है कश्मीर में और वो देखता है कि खुशहाली है, शांति है, 370 के बाद सिचुएशन बड़ी ज़बरदस्त इंप्रूव हो गई है, वहाँ पे हर कोई खुश है, फिर इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो एक बहुत ही अच्छी जगह मानी जाएगी, दिखेगी लोगों को। मगर ये बात वो नहीं दिखाना चाहते हैं, कभी भी नहीं दिखाएंगे। वहाँ पे जब भी हम इंटरव्यू सुनते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि भाई वहाँ इंडिया में वो कश्मीर को परेशान करते हैं, हो रहा है वो कश्मीर, तो वो उनकी एक ही उनको मीडिया दिखाया जा रहा है, उनको ये पता नहीं रियलिटी में कि कितना, मतलब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यही सब इसमें नजर आता है, और अल्टीमेटली क्या होगा, लोगों को शायद पता चलने लगेगा, जैसे कश्मीर की डेवलपमेंट POK के पास आएगी, जिससे वो वहीं बैठे बैठे उनको नजर आ जाएगा कि ये तो यहाँ पे बहुत प्रोग्रेस हो रही है या बहुत हो रही है। जैसे कई रिलेटिव्स हैं वो कॉल करेंगे और पता लगेगा, अच्छा तुम्हारा ये भी होता है, तुम्हारा वो भी होता है, तब शायद उनको रियलाइजेशन आएगा कि
जो तुम्हें बताया जा रहा है अपने मीडिया में अपने उसमें, वो सब गलत मलत है। एक्चुअली कश्मीर कहां से कहां पहुंच गया है, उसकी काफी प्रोग्रेस हो गई है, और इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद गारंटेड डिफरेंट वर्ल्ड होगा। नहीं पर मुझे तो ये नहीं समझ में आ, तुम अपनी कंट्री को तो पहले ठीक कर लो फिर बाहर दूसरी जगहों का ध्यान करना, पहले अंदर तो ठीक कर लो। पॉलिटिक्स के लिए वही चलता है, क्या पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। और दुनिया उनकी वहां की जो जनता है वो कब से, जब से पाकिस्तान बना है तब से इस पॉलिटिक्स के अंदर बुद्धू बनती जा रही है। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।